गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ योर इंग्लिश लिटरेचर क्लास फॉर क्लास फर्स्ट. सो इन लास्ट वीडियो वी हैड कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 4, द सन एंड द मून, विच इज़ अ पोयम. सो फ्रॉम टुडे क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिवीजन ऑफ ऑल दिस चैप्टर. सो वी स्टार्ट आवर रिवीजन फ्रॉम चैप्टर 1, दैट इज़ माई होम. So take out your book, notebook, and come on page number 5. Here is your page number 5, and in this page, my home is given chapter 1. My home means क्या हो गया? मेरा घर, मेरा घर. ठीक है, तो इसमें क्या था? ये poem है एक. पहले हम लोग poem पढ़ लेते हैं. My home is a brick house where it's warm and safe to be. I wish all the world's children could be lucky like me. क्या है? My home is a brick house where it's warm and safe to be. I wish all the world's children could be lucky like me. इसमें बताया गया है कि मेरा घर ईंट का बना हुआ घर है, जहाँ मैं सुरक्षित हूँ और मुझे गर्माहट भी मिलती है. मुझे वहाँ पे क्या होता है, मैं पूरे तरीके से वहाँ सेफ रहता हूँ. आई विश ऑल द वर्ल्ड, जब मैं ये मनाता हूँ कि संसार के हर एक बच्चा जो है कुड बी लकी लाइक मी, वो मेरी तरह भाग्यशाली हो. ठीक है, ये स्टोरी थी, इसका मीनिंग था. और मैंने ये भी कहा था कि ये लर्न करना है, तो ये आपको लर्न करना है. ठीक है, पोयम लर्न आपको करनी है, क्योंकि आपके टेस्ट में पोयम लिखने को आता है. ठीक है, तो ये आपका पोयम हो गया. अब चलिए हम क्या करेंगे, इनके एक्सरसाइजेस को हम रिवाइज करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, वर्ड मीनिंग देखना है. तो वर्ड मीनिंग देखते हैं. वर्ड मीनिंग क्या है? वार्म, वार्म, हैविंग अफेक्शन और बाइंडनेस. वार्म मतलब क्या होता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं, जिससे आपका जुड़ाव रहता है, आप उससे आपका अटैचमेंट रहता है. ठीक है, सेकेंड है विश. विश का क्या हो जाएगा? वॉन्ट. विश का क्या हो जाएगा? वॉन्ट मतलब इच्छा. सेफ, सेफ का क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टेड. प्रोटेक्टेड मीन्स सुरक्षित. प्रोटेक्टेड मीन्स सुरक्षित. लकी, ब्लेस्ड. लकी, ब्लेस्ड, जो भाग्यशाली होते हैं. ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? वॉर्म का हम, वॉर्म आपको वर्ड देंगे, आपको मीनिंग लिखना होगा. तो आप लिख सकते हैं हैविंग अफेक्शन, इतना भी लिख सकते हैं, या हैविंग बाइंडनेस. हैविंग अफेक्शन या फिर हैविंग बाइंडनेस आप लिख सकते हो. तो आप आसानी से, आराम से पढ़िए. हैविंग अफेक्शन, बोलिए मेरे साथ. वार्म का क्या हो जाएगा? हैविंग अफेक्शन. वार्म का क्या हो जाएगा? हैविंग अफेक्शन. विश का क्या होगा? वॉन्ट. विश का क्या हो जाएगा? वॉन्ट. विश की मीनिंग क्या हो जाएगी? वॉन्ट. सेफ, प्रोटेक्टेड. सेफ, प्रोटेक्टेड. सेफ, प्रोटेक्टेड. लकी का क्या हो जाएगा? ब्लेस्ड. लकी का क्या हो जाएगा? ब्लेस्ड. लकी का क्या हो जाएगा? ब्लेस्ड. वार्म का क्या होगा? हैवी अफेक्शन. विश का क्या होगा? वॉन्ट. सेफ का क्या होगा? प्रोटेक्टेड. लकी का क्या हो जाएगा? ब्लेस्ड. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लर्न करेंगे, और स्पेलिंग के साथ लर्न कीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग आएगी तभी आप उसको लिख सकते हैं. ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में क्या है, फर्स्ट है व्हाट इज द पोएट्स होम मेड अप ऑफ. पोएट का घर किससे बना हुआ है, तो किससे बना होता है? अभी आपने देखा कि पढ़ा है कि पोएट का घर किससे बना था, ईंट से बना था. तो वही आंसर का था, पोएट्स होम इज मेड अप ऑफ ब्रिक. क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे द पोएट्स होम, फिर यहाँ इज लगाएंगे, इज मेड अप ऑफ ब्रिक. द पोएट्स होम इज मेड अप ऑफ ब्रिक. द पोएट्स होम इज मेड अप ऑफ ब्रिक. आप कैसे पढ़ोगे, द पोएट्स, मेरे साथ बोलिए, द पोएट्स होम इज मेड अप ऑफ ब्रिक. द पोएट्स होम इज मेड अप ऑफ ब्रिक. ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा. बोलिए फिर से, द पोएट्स होम इज मेड अप ऑफ ब्रिक. ठीक है, चलिए सेकेंड है, इज हिज होम सेफ. क्या उसका घर सेफ था, सुरक्षित था? तो ये तो लाइन में है ही, तो ये क्या होगा, हाँ उसका घर सुरक्षित था. तो आपको कुछ नहीं करना है, इसकी जगह क्या लिखना है, यस. यस हिज होम इज सेफ. यस हिज
home is safe. Yes, his home is safe. Question third है, what does the poet wish? What does the poet wish? Poet की क्या इच्छा थी? तो poet की इच्छा क्या थी? The poet wished that everyone have own home like him. पोएट की विश ये थी कि हर किसी के पास उसका अपना घर हो जैसे पोएट के पास है. तो कैसे पढ़ेंगे? द पोएट विज्ड दैट एवरी वन हैव ओन होम लाइक हिम. क्या पढ़ेंगे? द पोएट विज्ड दैट एवरी वन हैव ओन होम लाइक हिम. द पोएट विज्ड दैट एवरी वन हैव ओन होम लाइक हिम. क्या बोलेंगे? द पोएट wished that everyone have own home like him. बोलिए मेरे साथ, the poet wished that everyone have own home like him. ठीक है, ये हो गया. चलिए next question देखते हैं. क्या है? Do you like your home? क्या आप अपना घर आपको पसंद आता है? आप अपने घर को पसंद करते हैं? तो आंसर क्या होगा? Yes, हाँ. तो बस do की जगह हम क्या लिख देंगे? Yes, फिर लिखेंगे I, you की जगह I हो जाएगा, फिर like, your की जगह my और home. Yes, I like my home. Yes, I like my home. क्या होगा? Yes, I like my home. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग था. अब चलिए देखते हैं बुक में क्या एक्सरसाइज दिया हुआ है. देखिए बुक में क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस. अब ये लाइन कैसे कंप्लीट करेंगे? जब आपको पोयम लर्न रहेगी तभी आप इस लाइन को कंप्लीट कर सकते हैं. तो क्या है? माय होम इज अ डैश हाउस. माय होम इज अ डैश हाउस. मेरा घर किसका घर है? ब्रिक का, ईट का घर है. तो लिखेंगे ब्रिक हाउस. माय होम इज अ ब्रिक हाउस. क्या होगा? माय होम इज अ ब्रिक हाउस. वेयर इट इज डैश एंड डैश टू बी. वेयर इट इज वार्म एंड सेफ टू बी. वार्म एंड सेफ टू बी. वेयर इट इज वार्म एंड सेफ टू बी. I dash all the world's children. तो यहाँ क्या कहा? I wish all the world's children. I wish all the world's children could be dash like me. Could be lucky like me. क्या हो जाएगा? Could be lucky like me. तो क्या हो रहा है? My home is a brick house where it's warm and safe to be. I wish all the world's children could be lucky like me. ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन था. अब चलिए हम क्या करेंगे, पोयम को एटलीस्ट टू टाइम तो आप मेरे साथ पढ़िए और लर्न भी कीजिए. ठीक है, इसके बाद से हम एक बार डिफिकल्ट वर्ड्स भी लर्न करेंगे. तो पढ़िए, माई होम इज अ ब्रिक हाउस. बोलिए, माई होम इज अ ब्रिक हाउस. माई होम इज अ ब्रिक हाउस. Where it's warm and safe to be. Where it's warm and safe to be. I wish all the world's children. I wish all the world's children could be lucky like me. Could be lucky like me. फिर से बोलिए, My home is a brick house. My home is a brick house. Where it's warm and safe to be. Where it's warm and safe to be. I wish all the world's children. I wish all the world's children could be lucky like me. Could be lucky like me. ठीक है, ऐसे ही आप इसको लर्न करेंगे क्योंकि ये आपके टेस्ट या एग्जाम में आ सकता है. ठीक है, चलिए अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स लर्न करेंगे. यहाँ के डिफिकल्ट वर्ड्स हम लर्न करेंगे. तो देखिए डिफिकल्ट वर्ड्स आपका क्या है, आपने ये कॉपी में लिखा है ना, तो ये क्यों लिखवाया गया? ताकि आप स्पेलिंग्स को लर्न करें तो आंसर आपको लिखने में दिक्कत ना हो. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं. फर्स्ट क्या है, मेरे साथ बोलते चलिएगा, एच ओ एम ई होम. बोलिए, एच ओ एम ई होम. एच ओ एम ई होम. एच ओ एम ई होम. क्या स्पेलिंग होगी? एच ओ एम ई होम. होम मीन्स घर. सेकेंड है ब्रिक, बी आर आई सी के ब्रिक. बोलिए, बी आर आई सी के ब्रिक. बी आर
BRICK, ब्रिक। मेरे साथ बोलिए BRICK, ब्रिक। ब्रिक मीन्स ईट, तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी BRICK, ब्रिक। BRICK, ब्रिक। थर्ड है हाउस, HOUSE, हाउस। HOUSE, हाउस। हाउस मीन्स घर। HOUSE, हाउस। हाउस मीन्स घर। HOUSE, हाउस। HOUSE, हाउस। ठीक है, मेरे साथ बोलते चलिए। फोर्थ है वेयर, WHERE, वेयर। WHERE, वेयर। वेयर मीन्स कहाँ। WHERE, वेयर। तो वेयर की स्पेलिंग क्या होगी WHERE, वेयर। क्या हो जाएगा WHERE, वेयर। फिफ्थ है वन, WARM, वन। WARM, वन। WARM, वन। WARM, वन। तो वन का क्या हो जाएगा WARM, वन। ठीक। सिक्स्थ है सेफ, SAFE, सेफ। SAFE, सेफ। SAFE, सेफ। क्या होगा SAFE, सेफ। SAFE, सेफ। सेफ में सुरक्षित, तो सेफ की स्पेलिंग क्या हो जाएगी SAFE, सेफ। सेवेंथ है WISH, विश। WISH, विश। WISH, विश। WISH, विश। विश मीन्स इच्छा, तो विश की स्पेलिंग क्या हो जाएगी WISH, विश। WISH, विश। एट है वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड। WORLD, वर्ल्ड। WORLD, वर्ल्ड। मेरे साथ बोलिए WORLD, वर्ल्ड। वर्ल्ड मीन्स संसार, तो वर्ल्ड की स्पेलिंग क्या हो जाएगी WORLD, वर्ल्ड। ठीक है। नाइन्थ है चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। CHILDREN, चिल्ड्रन। बोलिए मेरे साथ CHILDREN, चिल्ड्रन। CHILDREN, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन की, चिल्ड्रन मीन्स क्या होता है बच्चे। ठीक है, तो चिल्ड्रन की स्पेलिंग क्या हो जाएगी CHILDREN, चिल्ड्रन। टेन है कुड, COULD, कुड। COULD, कुड। COULD, कुड। COULD, कुड। तो कुड की स्पेलिंग क्या हो जाएगी COULD, कुड। क्या हो जाएगा COULD, कुड। ठीक है। इलेवेंथ है लकी, इलेवेंथ क्या है लकी, LUCKY, लकी। LUCKY, लकी। LUCKY, लकी। मेरे साथ बोलिए LUCKY, लकी। लकी मतलब भाग्यशाली। ठीक है, जो ब्लेस्ड होते हैं, जिनके ऊपर आशीर्वाद बना रहता है भगवान का। तो लकी क्या हो जाएगा लकी की स्पेलिंग क्या हो जाएगी LUCKY, लकी। क्या हो जाएगा LUCKY, लकी। ट्वेल्थ है LIKE, लाइक। LIKE, लाइक। LIKE, लाइक। LIKE, लाइक। LIKE, लाइक। लाइक मतलब यहाँ पे होगा जैसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो लाइक की स्पेलिंग क्या हो जाएगी LIKE, लाइक। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर वन का रिवीजन था। डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने इससे पढ़ाए ताकि आप कोई स्पेलिंग लर्न हो जाए, जिससे आपको आंसर लिखने में या पोयम लिखने में आसानी हो। ठीक है, तो आपका काम क्या है, चैप्टर वन के पोयम, फोर लाइन के पोयम को आपको लर्न करना है, इसके वर्ड मीनिंग को लर्न करना है स्पेलिंग के साथ, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज। ठीक है, तो आप इसको, आज का होमवर्क आपका यही होगा कि आप इसको लर्न करोगे और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास में यही होमवर्क करती हूँ। थैंक यू।